हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बज रहे हैं 2 ऑलमोस्ट। बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही है, ठंडी हवा आ रही है, पर मैं जस्ट अभी एडिटिंग वगैरह कर रहा था एंड अपलोड पे लगा दिया मैंने व्लॉग। और मैंने बस आपको ये बताना था कि यस, हम 2 बजे तक 3 बजे तक जागते हैं व्लॉग को अपलोड करने के लिए, और अगर कोई कॉपीराइट इशू आ जाए तो फिर उसको भी दोबारा से फिक्स करके तो ऑलमोस्ट 4 बज जाते हैं, कभी बार 4 या 5। जैसे ही व्लॉग अपलोड होगा फिर मैं आपको सुबह मिलता हूँ। ओके, सो इट्स डे 2। और जैसे कि आपने मेरे को लास्ट टाइम देखा था कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, और उसके बाद एक चीज़ हुई जिसका मेरे को अभी काफ़ी बुरा लग रहा है। एक्चुअली मैं जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने वर्षति का मेकअप किया हुआ दिखाया था, तो वो एक्सीडेंटली मुझसे डिलीट हो गई। वीडियो अपलोड हो चुका था बट स्टिल प्रोसेसिंग दिखा रहा था दूसरे वीडियो की, तो मेरे को लगा कि वो पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उसको डिलीट मारा। जैसे डिलीट किया उसको, जो रियल वीडियो थी वो ही डिलीट हो गई। तो वो सोच के अभी दुख भी हो रहा है और क्या ही बताऊँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ करके। अब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है भी एकदम से जज्बात पलट गए। यहाँ पे दीदी बना रही है रोटी, यहाँ पे मेरे पनीर हो रहे हैं स्टर फ्राई, यहाँ पे हमारे छोले रेडी है, यहाँ हमारी रोटियाँ बन रही है। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को एक मैसेज किया था कि आपका ब्लॉग जो है हमेशा किचन से ही स्टार्ट क्यों होता है क्योंकि यार अब जब मैं जैसे ही उठता हूँ फिर उसको मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर मैं सीधा ब्रेकफास्ट के उसमें चला जाता हूँ, फिर अब उसमें कुछ शॉट्स मिल जाते हैं ना, तो इसीलिए शुरू होता है मेरा किचन में ब्लॉग। आपको अच्छे शॉट्स मिलते हैं, आपको भी तो फ़ायदा हो रहा है ना। इट्स विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। क्यों दी, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें अभी हमने लेके आनी है। तो मैं वर्षा दीदी को बोल रहा था कि चलो 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 करके, लेकिन फिर उन्होंने एंड में पूछा कि तूने वीडियो बनानी है, मैं कहा कह रहे हैं अच्छा चल ठीक है अब वर्षा दीदी तैयार हो गई है, अब सिर्फ जा रहे हैं। दुकान बंद थी तो अभी हम उनके घर पे आए हैं, बिकॉज ये समगलिंग भी करते हैं इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई लॉकडाउन हो चाहे ना हो, बिजनेस तो चलेगा बिजनेस तो चलेगा भाई। अभी बज रहे हैं कितने, 2:55, और अब हम हो रहे हैं चैलेंज के लिए रेडी, और आज हम बनाएंगे ट्राई नॉट टू लाफ। यस, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी वर्षादी के चैनल पे और मेरे चैनल पे भी, तो मैं चैलेंजेस तो बनाता नहीं हूँ, तो या हमने सोचा कि वर्षादी के चैनल में बना रहे हैं हम चैलेंज। तो बस अभी जल्दी आकाश अभी तैयार होने गया है, मैं भी रेडी होऊंगा, वर्षादी भी रेडी होंगे। ओके, सो अभी जस्ट हम चैलेंज बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लास्ट व्लॉग मेरा डिलीट हुआ उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया था, तो वो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप उसको मिस मत करो। तो आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में काफ़ी सारे रिटर्न भी मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके साथ एक ऐप शेयर करना चाहता हूँ, कॉइन स्विच कुबेर नाम का, जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कॉइन स्विच कुबेर ऐप को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसका यूज़र इंटरफेस इतना सिंपल है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एफर्टलेस बना देगा, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। और तो और इसकी जो KYC है वो सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड का और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, और इसमें आपको सिर्फ मिनिमम 100 रुपये चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और तो और आपको 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज के ऑप्शन मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर बीच में कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो आपको सपोर्ट का भी ऑप्शन है। और साथ के साथ इसके 6 मिलियन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड मारने का, तो उसको डाउनलोड मारो और इन्वेस्टिंग शुरू कर दो अपनी। और हमने अभी जस्ट अपना चैलेंज खत्म कराया ट्राई नॉट टू लाफ, और या ठीक ही रहा, देखते हैं अब कैसा रहा एडिटिंग वगैरह करने के बाद। आज हमारा शायद मोमोज बनाने का प्लान है, अंडे वाले मोमोज, तो या अभी बस अभी चैलेंज जैसे बनाया वो सो गए, तो जैसे वो उठेंगे फिर हम मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। ओके, सो अब बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:17, अब 9:18 हो गए होंगे शायद, क्या पता, नहीं हुए चलो 9:17 अभी नहीं हुए, नहीं हुए अच्छा हो गया 18, हाँ देखा 9:18 हो गए अब तो। अब और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, मतलब क्या बात हुई आज, मतलब ऐसी बात हुई है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं कुछ। ये देखो, ये आप पहचान गए होंगे बर्तन, हमारा लेजेंडरी डिश
सो दिस इज मोमोज और ये वर्षा दीदी ने बनाया है। आज बेसिकली हमारा चिकन मोमो का प्लान था बट वही चिकन का मिला नहीं हमें, कीमा जो बोलते हैं, तो वर्षा दीदी ने बोला चलो अंडे का बनाते हैं बिकॉज हाँ हमने कल पे भी हाँ खाते हैं। चलो चलो आप जल्दी जल्दी बन गया है और जल्दी जल्दी हम खाते हैं भाई, भूख लग रही है मेरे को तो बहुत। ओ आधी गैस तो निकल गई। भर दे और भर दे, क्या कंजूसी क्या कर रहा है यार, भर दे कंजूसी क्या कर रहा है, भर दे भर दे भर दे, फिर कंजूसी कर रहा है, ये भरना बोलो। मतलब भाई हमारे लिए जो नॉर्मल है वो इनके लिए कंजूसी है। एंड यस थैंक यू। हाउ इज द टेस्ट? नाइस नाइस। ओह फिर क्या बनाया? मस्त भाई मस्त, सीरियसली सच में यार मस्त बना। हाँ ये ना चलो हम खाते हैं बिकॉज खाते टाइम नो रिकॉर्डिंग। सीरियसली भाई ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग में होता ना चढ़ जाता है यार कि बस मजा आ गया। नाइस ओके सो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी अब से सुंदर बनने की कोशिश करूंगा बिकॉज कल आकाश ने मेरे को बोला था सुंदर बनना और केयर करना बहुत डिफरेंस होता है। बिकॉज आकाश ने मुझको बोला था कि कल आप जतिन बीरबल की तरह लग रहे हो तो फिर वो वांट टू तो यार बस अभी ये लगाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दिस बट यार खुद का झाव लग गया है वही तो। अगर इसको मैं लगा के थोड़ा और सुंदर हो गया तो यार तो भाई रोज लगेगा रोज लगेगा। ओके हो गया ना नाइस। कितने देर तक रखना है इसको? जब तक सूख नहीं आता। चलो लेट्स सी कि क्या होता है इसके बाद। वो आएंगे पेड़ आएंगे एकदम पूरे मुंह से, क्या होता है उसके बाद, सूखेगा और धोएंगे और क्या होगा। अबे मतलब कि चेहरा कैसा लगता है ब्रो? वैसे ही लगेगा थोड़ा ग्लो, एक ग्लो तो होगा थोड़ा पागल हो गया एक दिन वाला थोड़ी है ये बोल तो रहा हूँ कब से। अरे यार अब अभी यार मत करो। चलो कोई बात नहीं। ओके सो ऑलमोस्ट हमको 10-15 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम हो गया इसको रखे हुए और मैं अपने फेस को जो है जकड़ा हुआ महसूस कर सकता हूँ और मुझको ये करने में बहुत अच्छा लगता है। ये मत करो वैसा आ जाता है पता फेस पे लिया जाता मेरे आपको ये मजा आता है ना बट ये अभी सूख गया है। चलो बस बोलते हैं अब इसको नहीं वो नहीं दिखाने। हाँ ऑलमोस्ट लग रहा हूँ आप लोगों में सुंदर है ना। आई नो हो गया ना सुंदर मुझे पता था अब से मैं रोज़ लगाऊंगा इसको। चलो यार जो भी है जितना मजाक हुआ हो गया आज, देखा हमारा दिन आप लोगों ने ये कैसा गया। तो बस आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय पीस आउट। और इसका अभी सुखा नहीं है, अभी धोएगा थोड़ी देर में। बाय बाय।